उस दिन हम लोग लेके आए ना, वाली है इसका नया पानी डालेंगे और मेडिसिन इसको यूज, फिश की मोर्टेलिटी हो और एक पीस वो माशाल्लाह बड़े ब्रीडर पेयर हैं, सबसे बड़े ये देखें इस पेयर। बंदा आपसे ट्रेनिंग लेना चाह रहा हूँ, आप किस तरह बनाते हैं, पैरामीटर कौन से कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, वजन गेन नहीं हो रहा और फिश में मोर्टेलिटी हो रहा है, स्ट्रेस नहीं है, क्या मसले बने हुए फॉर एग्जाम्पल ये आपके माशाल्लाह बायो फ्लॉक्स। अगर कोई भाई ये भी लगवाना चाहता है अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फारूक और आप देख रहे हैं ओए पट्टी यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज ही आपको बायोफ्लॉग टैंक के बारे में कुछ डिटेल बताएंगे और साथ इनकी फ़िश की मेडिसिन करेंगे। उस दिन फ़िश लेके तो आए थे मगर आपको दिखाया नहीं था किस टैंक में रखी है। बाकायदा से उनको लाने के बाद मेडिसिन क्या हम लोग करनी है और क्या क्या चीज़ें उनके साथ हम लोग कर सकते हैं, तो वो एहतियाती तदाबीर भी बताएंगे आपको और साथ थोड़ी कुछ ट्रेनिंग के मतलब भी कुछ चीज़ें बताएंगे, बायोफ्लॉग के टैंक्स के लगा के उससे हम लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो चले आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आपको ये सारी चीज़ें दिखाते हैं और साथ साथ आपको जो नए पॉड्स बना रहे हैं उनकी अपडेट भी देते हैं। तो दोस्तों कल हम लोगों ने लेंटर वाले लगवाए थे बंदे, उन्होंने ये जो बड़ा पॉन्ड बनवा रहे हैं फ़िशिंग के लिए, ब्रीडर फिश के लिए, ये नीचे जो फर्श कर गए थे, लेंटर डाल गए थे, ये नीचे वाला बकायदा से कल हो गया। कल इंशाल्लाह मिस्त्री लग के तो ये पूरा हो जाएगा इधर से। बाकी यार जो हम लोग उस दिन नई फिश लेके आए थे वो मैंने डाली है, हम लोगों ने डाली है वो इस पॉन्ड में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, ये जो उस दिन हम लोग लेके आए ना फिश वो ये वाली है, बकायदा ये सारी फिश हैं। और अभी हम लोगों ने इसका पानी खोल दिया, इसकी मेडिसिन की हुई थी और कुछ और मेडिसिन करनी है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ पानी का टैंक कहाँ से पानी हम लोगों ने खोला है। तो यहाँ से ये लॉक हमने खोल दिया और यहाँ से पानी इसका सारा निकल जाएगा, फिर इसका नया पानी डालेंगे और मेडिसिन इसको यूज़ करवाएंगे। क्योंकि जब आप लोग फ़िश नहीं लेके आते हैं तो बड़ी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। आप देखें यहाँ पे कुछ फ़िश की मोर्टेलिटी हो गई है, यहाँ पर आपको वो नज़र आ रहा है पीस, एक और एक पीस वो उल्टा पड़ा हुआ है, यानी कि जो फ़िश लेके आए थे उसमें दो की मोर्टेलिटी हो गई है। तो इनकी जो है ना वो जो इनकी मेडिसिन है वो बड़ी ज़रूरी है, जब आने के बाद इनको यूज़ करवाई जाए। अब पानी आस्ता आस्ता कम होगा तो फिर आपको साथ साथ सारी चीज़ें दिखाते हैं। बाकी दूसरी फिश जो ये थी, ये माशाल्लाह बड़े ब्रीडर पेयर हैं, सबसे बड़े, ये देखें, ये माशाल्लाह देखें, ये देखें इस पेयर को, ये देखें। तो दोस्तों अभी मैं आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन लेके देता हूँ शकील भाई से, वो उनसे पूछते हैं कि अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए या इससे कैसे पैसा कमाया जा सकता है, वो चीज़ें भी मैं आपको शकील भाई से पूछ के बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, शकील भाई को मैंने बुलाया है और इनसे पूछते हैं यार कि अगर किसी भाई ने काम शुरू करना हो, ट्रेनिंग लेनी हो इस मामला में और बाकायदा इसकी डाइट प्लान सारी चीज़ों का सारा कुछ पूछते हैं, ताकि हम लोग जो दोस्त देखेंगे वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो चले शकील भाई आ गए हैं, तो इनसे पूछते हैं यार क्या क्या फिश को क्या देना चाहिए, पॉन्ड्स के बारे में पूछते हैं, सारा कुछ पूछते हैं। हाँ जी शकील भाई, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा शकील भाई, कुछ दोस्त पूछ रहे थे ये काम शुरू करना है, ट्रेनिंग करनी है, और तो अगर कोई बंदा आपसे ट्रेनिंग लेना चाह रहा हो तो वो भी आप ट्रेनिंग वगैरह दे देते हैं? जी जी, पहले तो उसको शौक होना चाहिए, शौक के बाद फिर उसके पास कोई लैंड रकबा होना चाहिए या उसने एज ए शौक के लिए काम सीखना, तो मोस्ट वेलकम। हमारा फार्म शेखपुर में है, वहाँ आए और फिजिकल काम करें, और ये नहीं कि बस बातें सुन कर नहीं जाना चाहिए, ये निकल शर्ट भी साथ लेके आए, ट्रोल शर्ट, वो अंदर टैंक के अंदर जाए और जाके हम उसको बताएँ कि भाई ये फिश को पकड़ें और देखिए इसको कौन से मसले मसाइल है, इसको कौन सी मेडिसिन यूज़ करवानी चाहिए, और अगर आप फिश को डाल देते हैं तो बायोफ्लॉग किस तरह बनाते हैं, उसके पैरामीटर कौन से होते हैं, कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, अगर फिश का वजन गेन नहीं हो रहा और फिश में मोर्टेलिटी हो रही है, फिश स्ट्रेस में है, तो क्या इश्यूज़ है, क्या मसले मसाइल है, ये सारी चीज़ें हम उसको करके भी दिखाएंगे और डेली बेसिस पर आगे खुद अपने हाथों से करेगा ना तो फिर सीखेगा, अदरवाइज तो वो खताबी की रही है। अच्छा शकील भाई, अगर ये जो टैंक भी बने हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, ये आपके माशाल्लाह बायोफ्लॉग्स के टैंक लगे हुए हैं, अगर कोई भाई ये भी लगवाना चाहता है या ये देखना चाह रहा है या उसको इनके बारे में मालूम चाहिए, वो भी आप प्रोवाइड कर देंगे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास सारे शेखपुरे में फार्म है हमारे, तो ये टैंक वो कौन से लगवाना चाह रहे हैं, सबसे जो अच्छा टैंक है वो 20x20 की कैटेगरी है,
और हम इसको बताएंगे कि भाई इसका नीचे से पौंड का जो स्लोप है वो किस तरह होना चाहिए, पौंड के नीचे बेड किस तरह होना चाहिए, कितना कंक्रीट लगता है उसके अंदर, शीट कौन सी होनी चाहिए हार्ड और इसका फ्रेम कौन सा है, इरेशन के पाइप है, वाटर के पाइप है, ये सारा कुछ करने के बाद फिर इसके अंदर जो फिश डाली जाती है कितनी क्वांटिटी में, तकरीबन 35 से 40 हज़ार लीटर पानी डाला जाता है। डालने के बाद फिर आप इसको जो बायोफ्लाव बनाते हैं वो किन चीज़ों से बनता है और इसके अंदर जो बैक्टीरिया कौन सा डाला जाता है, फिश का साइज कितना बढ़ा जाता है, कब फिश डालनी चाहिए और फिश का वजन कब हो जाता है, तो ये हम आपको सारी चीज़ें टिप्स भी देंगे और करके भी बताएंगे। अच्छा शकील भाई, ये उस दिन लेके आए थे नई फिश, तो इसको आप अभी मेडिसिन करने लगे हैं और इसका अगर नहीं लेके आते तो क्या एहतियाती तदाबीर है वो भी आप अभी बताएंगे साथ साथ। नहीं, फिश अगर हम लेके आते हैं ना बायोफ्लाग के टैंकों में से, तो फिर फिश को इश्यूज कोई नहीं था, मसला कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ फ्लाग बनाता है, फिश का पानी बिल्कुल साफ होता है और पैरामीटर कम्प्लीट होते हैं जिसकी वजह से फिश कोई स्ट्रेस में नहीं होती, कोई अमोनिया नहीं होता, कोई डिल्यूट वगैरह नहीं होती और फिश की ग्रोथ में बेहतरी होती, मूवमेंट में बेहतरी होती है। हम लेके आए एक बड़े पौंड में, ओपन एरिया में जहाँ एरेशन का सिस्टम नहीं था, बड़ा पौंड था, वहाँ फिश लेके आए, वहाँ के पानी का यहाँ के पानी के पैरामीटर बहुत ज़्यादा डिफरेंट चेंजिंग है। लेकिन हम जब लेके रास्ते में काफ़ी एहतियात तदबीर की थी, फिर हम लेके आए हैं, आते हमने फ्रेश वाटर में डिप किया, फिर उसके बाद हमारे पास पिंकी थी उसके अंदर डिप किया, डिप करने के बाद हम लेके इसके अंदर चले गए। ये विदिन वन वीक के अंदर अंदर फिश जो से अपनी आप रिकवर होके इस फ्रेश वाटर में आती है। तो अभी तक देखिए हमारे दो पीसीज डीले थे, कल भी हमने कुछ मेडिसिन की डोज दी थी और आज हम आपको मेडिसिन बकायदा करके भी दिखाएंगे कि कितनी फिश है और कितने हम ये मेडिसिन की डोज है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करवानी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिएगा अभी सारी फिश जो सी ना बेहतर भी हो जाएगी और 3 से 4 दिन का डोज होता है, 2 दिन का मेडिसिन का, 2 दिन का सॉल्ट का, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिश के अंदर जो फंगस है, डीली है, स्ट्रेस में, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, अब ना ये पानी कम होना शुरू हो गया, अभी ये साथ साथ आपको ये जैसे ही पानी सारा ख़त्म होता है नया पानी इसमें डालेंगे और उसके बाद मेडिसिन कौन सी है ये भी शकील भाई से पूछेंगे, बाकायदा से सारी चीज़ें फिर उनसे पूछेंगे। देखें ना, दो फिश की मोर्टैलिटी होगी, एक ये है और एक वो पड़ी हुई है, ये अभी बाहर निकालते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं क्या वजह हुई होगी। अच्छा यार ये देखें, ये अब आपको ऊपर फिश नज़र आनी शुरू हो गई है, पानी माशाल्लाह सारा डाउन हो गया, थोड़ा सा और डाउन करना है, हम लोगों ने फिर पंप वगैरह लगाएंगे और साथ मेडिसिन यूज़ करवाएंगे इसको। बाकी जो ये मोर्टैलिटी हुई थी फिश की, ये देख चेक करें, एक वो फिश पड़ी हुई है, बाकी ये दूसरी फिश ये देखें इकट्ठी हो रही है जहाँ जहाँ पे पानी ज़्यादा है। तो अभी जैसे ही थोड़ा सा और डाउन होता है फिर हम लोग ये पंप लगाएंगे और पानी ताज़ा भर के इसमें मेडिसिन यूज़ करवाएंगे। अच्छा यार, बहुत बड़ा एक्सपर्ट आ गया तनवीर साहब आ गए हैं, ये अंदर घुस के ये निकालेंगे फिश जिसकी मोर्टैलिटी हुई है। आओ जी अंदर आओ ज़रा यार, आराम ना ज़रा, स्लिपिंग बड़ी हुई हुई है। वो होया कि करता ही तनवीर मछली नु की कर छड़े यार, देखे एक्टिंग करने एक्टिंग, ये यार पानी कम हुआ है इसी वजह से ये मछली इस तरह कर रही है, वो देखे बाहर भी चली गई। और ये देखे, ओहो ये चेक करें दोस्तों, ये ये टू आया ना इस वजह तो वो उल्टियाँ होनी शुरू हो गई हैं। हाँ चीज साफ, ध्यान अच्छी यार, ये पानी कम हो रहा है, पानी इसलिए कम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाए और फिर इसको ताज़ा पानी भर के फिर हम लोग इसमें फीड डालें, फीड और मेडिसिन वगैरह डालें। यार ये देखो हमारी ना कुछ फिश की मोर्टैलिटी नज़र आ रही थी, पहले ये ढीली थी तो हमने नज़र आ रहा था, हमने ये कोर्स वगैरह करा दिया था, अब ये देखिए ना हमने फिश को पकड़ा है तो ये देखिए आपको सारा येलिश येलिश शेड नज़र आ रहा है, ये जितना भी येलो शेड है ना ये फंगस के और इसको ना बीमारी मसला मसाइल, ये देखे ना इनकी आँखों का भी मसला है और इधर से भी है, और ये देखिए ये देखो हमने दोनों फिश को बाहर निकाला है, ये देखिए ये पनगेशियस फिश थी हमारे पास और इसमें थोड़ा से मसले मसाइल बने हैं, इसमें येलो शेड था, फंगस का इश्यूज था, फंगस की वजह से थोड़ी सी स्ट्रेस में हो गई है और क्योंकि ओपन पॉन्ड में लेके आने के और बायोफ्लाग के पॉन्ड में डालने से ना थोड़ा सा मसले मसाइल आते हैं। अभी हम इसको मेडिसिन की डोज दे रहे हैं और मेडिसिन कौन सी देनी चाहिए हम आपको वो भी बताते हैं, कितनी क्वांटिटी में ये कौन से साइज़ की है। अब ये देखें ये फिश जो थी ना इसका ज़्यादा मसला था, ये देखें इसकी टेम देखें और ये सारी येलो है, ये देखिए
अब हमने इसे बाहर निकाल दी है, ये देखो, और हम इसका मेडिसिन यूज करेंगे, ये वाली, इसका नाम है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। ये हम एक डब्बी मिल जाती है जिसमें 100 कैप्सूल होते हैं, और आप इसको, अब हमारे पास माशाल्लाह जहाँ से लगभग पीसीज है 1 फुट, उसमें पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद ये हमने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के कैप्सूल है, ये मैं बाहर निकाल के भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कैटेगरी होती है, और इसकी बैक में हमको दिखाता हूँ, ये वाले हमारे पास, ये वाला पानी आ गया, ये देखिएगा, ये वाला फ्रेश पानी है, फ्रेश पानी में सारे कैप्सूल डालेंगे, और पानी कैप्सूल डालने के बाद फिर इसमें डोज इस्तेमाल करवाई जाएगी। चलिए अब हम डोज इस्तेमाल करवाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो फिश थी ना, जो मोर्टैलिटी हुई थी, वो निकाल दी, अब दोबारा से फ्रेश पानी भर दिया, मेडिसिन रेडी हो गई है, अब वो डालते हैं, और ये जितने पीस है ना उस हिसाब से मेडिसिन है, इसके अंदर मेडिसिन डोज मिक्स हो गया, फ्रेश वाटर, ये देखिए सारे फिश पड़े सब आपको नजर आ रही है। अच्छा दोस्तों, मेडिसिन डल गई है, ये सारी आपको दिखाया है, तो होप कि आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी मेडिसिन की, कुछ ये सारे बायोफ्लॉ के मतलब, अगर फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हैं तो यार कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो यार दोस्तों, ब्लॉग को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।